हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं। मैं अनिल कुमार यादव सूरज, भाग 7 प्रश्नावली 6 बी बताने जा रहे हैं। त्रिकोणमिति क्लास 10 प्रश्नावली 6 बी। तो यहाँ पे प्रश्नावली 6 बी शुरू करने से पहले, आप यदि प्रश्नावली ए नहीं देखे हैं तो उसको देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर लिंक दिया गया, वहाँ पर जाकर देख लीजिए। तो शुरू करने से पहले हम आपको फॉर्मूला पहले बता देते हैं। फॉर्मूला क्या है? नंबर वन फॉर्मूला, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है। नंबर टू, अगर कॉस की बात किया जाए, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ये है। अगर इसी का बात किया जाए नंबर तीन, तो टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। और फोर नंबर, कॉट की बात किया जाए, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। देख रहे हैं, उसका जस्ट अपोजिट है। अगर सेक की बात किया जाए नंबर फाइव, सेक यहाँ पे 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। और सिक्स, कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, यहाँ पे देख लीजिए, एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इस तरह से पहले इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद यहाँ पे 6B का क्वेश्चन हम आपके बुक से बताने जा रहे हैं। तो इतना करने के बाद शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन आपके बुक से। क्वेश्चन नंबर वन, साइन 25 अंश कॉस 65 अंश। अब देखिए, यहाँ पे चाहे साइन को चेंज करिए चाहे कॉस को, कैसे चेंज करना है, जो हमने अभी ये फॉर्मूले बताए हैं ऊपर के, इस फॉर्मूले के तौर पे यहाँ पे चेंज करना है। तो 90 में से कितना घटा दें कि वो आ जाए आपका जो मान दिया है वो। जैसे समझ लीजिए, हल करके देख लेते हैं। साइन को छोड़ देते हैं, कॉस को चेंज करते हैं। तो लिखेंगे कॉस 65 को क्या लिखेंगे, 90 में से यदि 25 को हम घटा देते हैं, देख लीजिए, अगर 90 में से 25 को घटाएंगे तो वो आ जाएगा 65। क्या मिल गया? साइन 25 अंश। अब कॉस 90 माइनस थीटा दिख रहा है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला है? कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा के स्थान पे क्या है, 25। ये अब दो बार वही चीज है, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर 25 अंश, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर टू देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर टू, इसका मान हमें बताना है कि इसका मान क्या आएगा, बराबर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, इसमें से किसी एक को चेंज करना है। पहले इसको लिखेंगे 1/cos 70 अंश इंटू साइन 20 अंश माइनस, इसको लिखेंगे कॉस 20 अंश इंटू इसको 1/sin 70 अंश। पहले इसको हमने चेंज कर लिया, क्योंकि साइन का कॉस में चेंज होता है, कॉस का साइन में चेंज होता है। फिर साइन 20 को चेंज करते हैं, तो साइन 90 माइनस 70, ये घटाएंगे तो साइन 20 आ जाएगा, बटे कॉस 70 माइनस कॉस 20 बटे, अगर इसको चेंज करते हैं तो साइन 90 माइनस 20। आप यहाँ पे किसी को भी चेंज कर सकते हैं, चाहे इसको करिए चाहे इसको, किसी को भी कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। अब देखिए, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, थीटा के स्थान पे 70 बटे कॉस 70 माइनस, यहाँ पे कॉस 20 बटे साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, थीटा के स्थान पे 20 अंश, ये हो गया। अब ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्या मिला, 1-1 इज इक्वल टू 0, इसका मान आ गया 0। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर तीन, देख लीजिए। इसमें टैन का कॉट में चेंज होता है, सेक का कोसेक में चेंज होता है, तो हम इसको किसी एक को चेंज करेंगे, चाहे इसको चाहे इसको, कर लेते हैं। तो
10 20 इंटू कॉट को लिखेंगे कॉट 90 माइनस 20, अगर घटाएंगे तो आ जाएगा 70 माइनस सेक 20 इंटू कोसेक 90 माइनस 20, ये भी घटाएंगे तो 70 आ जाएगा। अब देख लीजिए 10 20 इंटू ये कॉट है, सॉरी कॉट 90 माइनस थीटा बराबर 10 थीटा माइनस सेक 20 इंटू कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, ये हो गया। इसको लिखेंगे 10 स्क्वायर 20 माइनस सेक स्क्वायर 20। अब देखिए फॉर्मूला होता है 10 स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, सॉरी 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, चलिए इसको बता देते हैं। यदि यहाँ पे हम माइनस कॉमन कर लेते हैं तो ये चेंज हो जाएगा सेक स्क्वायर 20 माइनस 10 स्क्वायर 20। अब इतना बराबर फॉर्मूला होता है 1, तो लिखेंगे 1 और ये माइनस आ गए, ये हो जाएगा आंसर। ये शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। समझ लीजिए यहाँ पे इस दोनों में से किसी एक को चेंज करना है आपको। चलिए किसको करना है, चलिए कर लेते हैं। हल लिखेंगे, मान लीजिए पहले को करना है तो सेक 90 माइनस उसके विपरीत जो कोसेक का 20 है तो 20 घटा लेते हैं, तो वो घटाने से आ जाएगा 70 बटे कोसेक 20 प्लस साइन 90 माइनस उसके विपरीत जो है तो 21, अगर वही को घटाएंगे तो वो आ जाएगा बटे कॉस 31 डिग्री। अब देखिए फॉर्मूला होता है सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, थीटा के स्थान पे 20 बटे कोसेक 20 प्लस साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ये बटे कॉस 31 डिग्री, ये हो गया। अब देखिए ये आपस में कट जाएगा तो ये हो गया 1 और ये हो गया 1, दोनों मिलकर 2। क्वेश्चन नंबर 4, ये तो 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 समझ लीजिए यहाँ पे इस दोनों में से किसी योग को चेंज करना है, तो चलिए कर लेते हैं। साइन स्क्वायर 90 माइनस 55 करते हैं तो वो आ जाएगा 35 प्लस साइन स्क्वायर 55 अंश, ये हो गया। साइन स्क्वायर मतलब साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस होता है तो वो स्क्वायर के रूप में स्क्वायर लगा देंगे प्लस साइन स्क्वायर 55 डिग्री। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये लिखेंगे 1। देख लीजिए यहाँ पे इसमें से भी किसी एक को चेंज करना है तो कॉस 90 माइनस 10 अंश करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा, इसमें भी साइन 10 प्लस कॉस 90 माइनस 31 करेंगे तो भी चेंज हो जाएगा और साइन 31 डिग्री, ये हो गया साइन 10 अंश बटे साइन 10 अंश प्लस इसमें हो जाएगा साइन 31 डिग्री प्लस साइन 31 डिग्री, ये हो गया। अब ये कट जाएगा तो 1 प्लस 1 बराबर 2, ये आ गया इसका आंसर। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, किसी एक को चेंज कर लेना है, चलिए एक चेंज कर लेते हैं। कॉस 90 माइनस इसके विपरीत जो वर्ड लिखा हुआ है उसको लिख देना है। देखिए 49 अंश 30 मिनट यदि घटाते हैं तो आ जाएगा हमारा ये टोटल आ जाएगा 40 अंश 30 मिनट आ जाएगा। यदि 40 अंश 30 मिनट लाने के लिए हमें 90 में से ये घटाना पड़ेगा तो ये आ जाएगा बटे साइन 49 अंश 30 मिनट। अब कॉस 90 माइनस थीटा पूरा थीटा मानेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा, थीटा मतलब 49 अंश 30 मिनट बटे
49 अंश 30 मिनट, ये आपस में कट जाएगा, इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी किसी को चेंज कर लेना है तो चलिए कर लेते हैं। कोसेक 90 माइनस 51 डिग्री अगर घटा देते हैं तो आ जाएगा 39, और नीचे है सेक 51 डिग्री, ये चेंज हो जाएगा सेक 51 डिग्री बटे सेक 51 डिग्री, कट जाएगा, इज इक्वल टू 1। तो हमें उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे के क्वेश्चन देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पे आप जाकर क्लिक करके देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।